चलें आज एक इस तरह का पोस्टर हम इसके ऊपर डिज़ाइन करना सीखते हैं कि किस तरह से करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस तरह का पोस्टर डिज़ाइन करने के लिए हमें क्या करना होगा। तो मैं इसका साउंड्स पहले इफेक्ट थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। इसके ऊपर जाके यहाँ से क्लिक करते और यहाँ पे जाके हमने इसको सेट कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखें, यहाँ पे ये रेड कलर आ रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करके डिज़ाइन में जाके हमने पेज कलर्स पे क्लिक किया और यहाँ से रेड कलर अप्लाई कर दिया। उसके बाद यहाँ पे देखें दो पोर्शंस हैं जिसपे हमें काम करना है। इंसर्ट पे जाके हमने क्लिक किया यहाँ से इसके ऊपर और यहाँ पे क्लिक करके इसको यहाँ पे अरेंज किया और यहाँ पर इसको ऐसे रख लिया। क्लिक करके यहाँ से शिफ्ट फिल पे क्लिक किया, यहाँ से किया नो आउटलाइन पे क्लिक कर दिया, तो इसके अंदर इस तरह कलर फिल हो गया। कलर और भी चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ से कंट्रोल डी दबाया, जैसे ही कंट्रोल डी दबाएंगे तो ये इसका एक शेप आ गया और इस शेप को हमने पकड़ के यहाँ से इसको थोड़ा छोटा कर लिया और उठा के इसी सीक्वेंस में नीचे की तरफ हमने पुट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे रख दिया। ये हमारे पास इसका एक निकल आया। अब इसके अंदर हमने लिखना है स्टडी सेंटर रजिस्ट्रेशन ओपन, तो हम यहाँ पे अपना लिख लेते हैं। सपोज टू बी इंसर्ट में जाके टेक्स्ट पे क्लिक किया, यहाँ मैंने लिख दिया राशिद और राशिद उसने लिखा हुआ है के, तो मैं अपना नाम से बना रहा हूँ, ठीक है, आप भले के पे बना लीजिएगा। तो राशिद, तो यहाँ पे हम लिख के इंसर्ट में जाके एक और टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ एक और टेक्स्ट बॉक्स आ गया, यहाँ पे क्लिक करके उधर रख रहे हैं अल हुसैनी और कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिख दिया हमने यहाँ पर। और इस तरीके से मैं यहाँ से राशिद के साथ अल हुसैनी को ऐड कर देता हूँ क्लिक करके यहाँ पे इस तरीके से, और कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस को सेलेक्ट करके यहाँ पर मैं डिज़ाइन में जाके ओवरऑल फॉन्ट को एरियल पे सेट कर देता हूँ ताकि सारा फॉन्ट ओरियल पे सेट हो जाए। एरियल पे सेट करने के बाद यहाँ से फॉन्ट साइज़ को कम कर लेता हूँ और यहाँ पे उठा के इसको इस तरीके से रख लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे रख के इस तरीके से हमने इसको इस तरीके से आगे कर दिया। और फर्दर इसके अंदर अगर स्पेसिंग वगैरह को कंट्रोल करना है, कंट्रोल ए दबा के आपने यहाँ से जो है लाइन स्पेस को 1 पे रख देना है। फर्दर स्पेसिंग देख लें, यहाँ से भी 0 है, और फर्दर लाइन स्पेस को कम करना है तो यहाँ पे लाइन स्पेसिंग में जाके 1 से जाके -0.5 कर दें, बहुत ज़्यादा क्लोज हो गया। तो ठीक है, अंडू 1 पर ही रखें इसको और ये इस तरह से कुछ नज़र आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल ए करके जो ये ऊपर वाला बॉक्स है इसको भी थोड़ा सा हमने कम कर लिया और इसके जो बॉक्स के जो विड्थ थे इसको कम करके इस तरह से कर लिया। कंट्रोल ए करके यहाँ क्लिक किया और यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ बेहतर किस्म का फॉन्ट लगा दिया, जैसे ये इस तरह का फॉन्ट है, और भी फॉन्ट देख लें, तो कि ये वाला फॉन्ट लगा देते हैं इसके ऊपर और यहाँ से उठा के हम इसको इस तरीके से रख लेते हैं। और अगर इसको भी हम सेंटर ही कर लें तो बेहतर रहेगा, तो इसको इस तरीके से सेंटर में कर लिया और ये उठा के हमने इस तरह से उठा के पकड़ के ऊपर कर दिया, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से क्लोज होके नज़र आ रहा है। कलर स्कीम हम बाद में डिसाइड कर लेंगे कौन सी रखना है। हाँ, एक बात समझ लें कि जैसे इसके ऊपर सेलेक्ट करके यहाँ से क्लिक करके हम चले गए वर्ड स्पेसिंग में, यहाँ से स्पेसिंग को खोल के एक्सपेंडेड कर दिया, 3.4 पॉइंट क्लिक करके ओके कर दिया। यहाँ से क्लिक करके शेप फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ से क्लिक करके आउटलाइन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए अच्छे से आउटलाइन भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। फॉन्ट कलर स्कीम में इसने डार्क ब्लू यूज़ किया है तो यहाँ से अंदर का कलर डार्क ब्लू भी कर सकते हैं, और डार्क ब्लू कलर या आउटलाइन का कलर है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, तो यहाँ पे जाके डार्क ब्लू कलर भी ऐसे कर सकते हैं। आउटलाइन को मज़ीद थिक करना हो तो यहाँ से क्लिक करके और मज़ीद थिक भी कर सकते हैं, तो ये बड़ा खूबसूरत सा आपको नज़र आने लग जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन ओपन लिखना है तो कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी एक अच्छा सा फॉन्ट दे देते हैं, तो यहाँ से क्लिक करके अगर हम उसको अल्जीरियन फॉन्ट दे दें तो भी अच्छा है, एम्परसैंड फॉन्ट दे दें, ये कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है। और यहाँ पर कुछ फॉन्ट्स के कॉम्बिनेशन भी हम देखेंगे, कई बार हमने इसको इग्नोर कर दिया है, तो कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस को सिलेक्ट करके अगर इसको भी हम अच्छा सा शेप फिल में जाके अंदर एक कलर दे दें, सपोज टू भी इसको इसी तरह का ब्लैक कलर दे देते हैं और आउटलाइन पे हम इस पर जो है वाइट कलर की आउटलाइन लगा देते हैं, तो ये थोड़ा सा फॉन्ट पतला है इसलिए ये ज़रा इस पर मज़ा नहीं करेगा, तो इसको ब्लैक ही रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन ओपन लिखना है, तो मेरा मशवरा ये है कि इसी बॉक्स पे कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट कर लें और नीचे ले आएँ और इस पर लिख लेते हैं एडमिशन ओपन या रजिस्ट्रेशन ओपन लिख लेते हैं, ठीक है, रजिस्ट्रेशन ओपन, तो हमारे हाँ चलो रजिस्ट्रेशन ओपन लिख दिया हमने इसके अंदर। रजिस्ट्रेशन ओपन का फॉन्ट साइज़ हमने जो है यहाँ क्लिक करके फॉन्ट का कलर जो है यहाँ से रेड कर दिया, जबकि आउटलाइन वही वाइट रहने दी, वाइट आउटलाइन का जो वेट है वो थोड़ा सा कम कर दिया और इसका जो फॉन्ट है वो यहाँ से चेंज करके ब्लैक कॉपर से
एलिफेंट वाला नहीं ले रहे, ये तो दो यूज़ कर चुके हैं, ये वाला ले लेते हैं। तो ये भी सही लग रहा है रजिस्ट्रेशन ओपन में, लेकिन अगर इसको अपर केस में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और फॉन्ट साइज़ को थोड़ा कम करके हम इसको इसी के नीचे यहाँ पे पकड़ के यहाँ से यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं, तो ये इस तरीके से यहाँ पे नज़र आने वाला है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा बन गया फ्रंट सेक्शन। उसके बाद यहाँ पर अगर लोगो वगैरह लगाना है तो कोई शेप वेक लगा के उसका लोगो लगा सकते हैं। फ़िलहाल लोगो तो हम लगा नहीं रहे। यहाँ पे कोर्सेज़ की डिटेल लिखनी है तो फैसिलिटीज़ के जगह पे हम लिख देते हैं कोर्सेज़, तो जिसे हम यहाँ पे लिख देते हैं। बल्कि इसी तरह से एक इंसर्ट में जाके एक और टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से ले लेते हैं, कुछ इस तरह का ले लेते हैं, और उसको पकड़ के यहाँ से उठा के यहाँ ले आते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं कोर्स ऑफर्ड लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कोर्स ऑफर्ड के लिए हमने एरियल ब्लैक का फॉन्ट ले लिया, कोर्स ऑफर्ड, ठीक है, या प्रोग्राम कोर्स ऑफर सही है, कोर्सेज लिख देते काफ़ी है। कोर्सेज लिखने के बाद यहाँ से क्लिक करके इसको हमने एक वाइट कलर दे दिया, सॉरी यहीं चले जाते हैं अंदर, इसके हमने एक वाइट कलर दे दिया। और उसके आउटलाइन को बेहतर बनाने के लिए इसको यहाँ से हमने एक वेट में जाके ब्लैक कलर का इस पर स्ट्रोक लगा दिया। तो कोर्सेज की एक अच्छी सी डिटेल्स का बन गया इसके हवाले से, और यहाँ पर रख के इसको यहाँ पर रख दिया, ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से नज़र आने लग गया। अब यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे हमें कोर्स लिखने हैं जो भी हमारे हैं, तो मैं इसी कोर्स का ही क्लिक करके कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट ले लेता हूँ। तो यहाँ पे हम जो कोर्स लिख रहे हैं यहाँ पे हम टाइप करेंगे, और कोर्स के लिए जो हमने यहाँ पे पहला एक कोर्स लिखा सपोज टू बी डिजिटल मार्केटिंग लिख दिया हमने यहाँ पे, कंट्रोल ए करके सेलेक्ट ऑल कर लिया। यहाँ पे फॉन्ट जो है हमने कुछ डिफरेंट किस्म का ट्राई करना है, तो यहाँ पे हमें इस तरह का फॉन्ट मिल गया। तो इसमें देखिए ये वाला फॉन्ट किस तरह से लगेगा, तो यहाँ पे हमने डिजिटल मार्केटिंग के लिए ये फॉन्ट तो यूज़ करना चाह रहे हैं, लेकिन ये फॉन्ट थोड़ा साइज़ में बड़ा है और ये इस पर सही आएगा नहीं। तो यहाँ और नीचे चलते हैं, और भी फॉन्ट है हमारे पास, ये वाला देखते हैं एरेस्टिक बोल्ड फॉन्ट, ये भी सही लग रहा है मुझे। इस पर क्लिक करके ये अप्लाई कर देते हैं, और इन फॉन्ट को हम यहाँ पर अपर केस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये इस तरह से नज़र आएगा। लेकिन इसका कलर स्कीम जो है वो ज़्यादा फर्स्ट पे अट्रैक्टिव नहीं है, तो हम यहाँ से इसके ऊपर डार्क ब्लू कलर अंदर लगाते हैं, आउटलाइन के ऊपर जो है ये वाइट कलर का आउटलाइन लगाते हैं। लेकिन आउटलाइन का जो थिकनेस जो यहाँ पे जो उसका मामला था, थोड़ा सा हम उसकी आउटलाइन की वेट को कम कर देते हैं, तो इस तरह से नज़र आएगा। और उसके ऊपर एक शेडो भी लगा देते हैं, तो शेडो में जाके यहाँ पर इस तरह का हल्का सा एक शेडो भी इसके बैकग्राउंड में ऐड कर देते हैं, तो ये फिर ऐसे दूर से भी नज़र आएगा डिजिटल मार्केटिंग लिखा हुआ। और इसमें आप इस तरह से लिख के इसको थोड़ा आगे कर लें, ये बॉक्स का साइज़ काफ़ी बड़ा है तो थोड़ा कम कर लेते हैं बॉक्स के साइज़ को, ताकि ये इस पर अरेंजेस पे थोड़ा आसानी रहे। तो थोड़ा नीचे चला गया, अब इस पर क्लिक करके हम यहाँ रख लेते हैं, और इसको थोड़ा सा और पीछे करने की कोशिश करते हैं, बस मैक्सिमम इतना हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, तो इसको इतना आगे करके हम लिख देते हैं। इसके बाद कंट्रोल डी दबाते हैं और यहाँ पर रख लेते हैं अगला, तो उसमें हम लिख लेते हैं सपोज टू बी ऑफिस ऑटोमेशन, तो कैपिटल में ही लिख रहे हैं हम ऑफिस ऑटोमेशन, ऑटोमेशन लिख दिया हमने यहाँ पे। इस पर भी थोड़ा बॉक्स के साइज़ को एडजस्ट करने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी, फ्रंट की अलाइनमेंट को सेंटर नहीं बल्कि लेफ्ट पे रखें, ताकि एडजस्टमेंट जो है आपकी लेफ्ट साइड पे सही तरह होती रहे। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल डी करके एक और डुप्लीकेट ले लें, तो यहाँ पर रखने के बाद इसमें आपने क्या लिखना है, सपोज टू बी ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग लिखना है, ग्राफिक्स डिज़ाइन, ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग लिखना है। और यहाँ पर फिर आपने लिखना है कंट्रोल डी करके वेब डिज़ाइनिंग, और वेब डिज़ाइनिंग लिखना है। और यहाँ पे फिर अगर जैसे आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा हम इसमें और चेंज तो नहीं कर रहे, लेकिन इसमें एक और ऐड करा लिया हमने डुप्लीकेट, और यहाँ पे हमने लिख लिया इसको थोड़ा सा अप एरो की मदद से ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दें, ताकि ये थोड़ा स्पेस नीचे निकल आए। तो यहाँ पे मैंने इनको इस तरीके से और यहाँ पे हमने कंट्रोल डी किया और यहाँ पे रख लिया नीचे, यहाँ पे हमने लिख दिया एडवांस्ड डिप्लोमा इन आईटी, तो थोड़ा सा इसका ब्लॉक जो है इसे बड़ा कर दिया, और इसको आगे लिख दिया हमने ब्रैकेट में ADIT, ठीक है, ये इसे ब्रैकेट्स को थोड़ा सा बंद कर दिया, और ये इस तरह से प्रोग्राम का भी हमने लिख दिया। तो ये देखिए इस तरीके से हमने जो अपने प्रोग्राम्स थे लिस्टेड कर दिए इसके अंदर, और भी ऐड कराने हैं तो वो फिर हम इसमें ऐड करा सकते हैं। अब जैसे इसके अंदर इन्होंने टेक्निक यूज़ की कि डिफरेंट कलर्स में नज़र आएंगे, तो भाई अब यहाँ से जाके शेफ फॉर्मेट में जहाँ डार्क ब्लू कलर है वहाँ पे आप डार्क ग्रीन कलर अप्लाई कर दें,
अगर लग रहा है कि वो सही लग रहा है इसके ऊपर, तो वरना मोर कलर्स में जाके यहाँ से क्लिक करके डार्क ग्रीन कर दें इस कलर को और उसको ओके अप्लाई कर दें। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर आपने सेलेक्ट करके दूसरा कलर ऑरेंज अप्लाई तो नहीं होगा, इसमें हम ये वाला रेड अप्लाई कर देते हैं और फिर यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल करके यहाँ से हम इसका कलर जो है सपोज्ड टू बी इस तरह का अप्लाई कर देते हैं। तो ये कुछ इस तरह का मामला हमारे सामने बन जाएगा, तो ये इस तरह से फिर दिखाई देंगे। सिमिलरली नीचे वाला भी मामला इसी तरह से हमें करना है कि जो नीचे हमें दिखाना है इसके अंदर रूम्स अवेलेबल फॉर बॉयज़, तो ये हमने टेक्स्ट ले रखा है कंट्रोल डी करके, इसको यहीं से क्लिक करके हम आगे कर लेते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पे रूम्स अवेलेबल तो खैर नहीं लिखा जाएगा, क्लासेस तो कुछ और लिख लेते हैं, क्लासेस अवेलेबल फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख लिया, कंट्रोल ए करके सेलेक्ट ऑल कर लिया, फॉन्ट साइज़ को थोड़ा सा कम किया, थोड़ा सा बढ़ा के 28 पे किया, गर्ल्स का ऑप्शन नहीं आ रहा इसके अंदर तो 26 करके नीचे कर लिया, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल ए किया सेलेक्ट ऑल करके, यहाँ पर जैसे उसने किस तरह अरेंज किया है येलो कलर के अंदर उसका स्ट्रोक दिया है, तो यहाँ से येलो कलर दे दें इसके ऊपर और ब्लैक कलर का यहाँ से आपने इसके ऊपर आउटलाइन का स्ट्रोक लगा देना है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको दूर से ही नज़र आ जाएगा। तो इस तरह से ये सारा मामला आपने ऐसे टेक्स्ट बॉक्सेस में लेके इसके अंदर ऐड कर देना है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लास्ट में ऐड कर देनी है, कंट्रोल डी दबा के डुप्लीकेट कर देना है। तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ ब्लॉक लिया, कंट्रोल ए दबाया, कंट्रोल ए दबा के यहाँ पर अपना एड्रेस और यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को पुट करना है। तो हमने यहाँ पर इस तरह से लिख दिया मुस्लिम टाउन शहदादपुर डिस्ट्रिक्ट सांगड़ सिंध पाकिस्तान। ठीक है, लिखने के बाद यहाँ से नीचे आ गए और एंटर करके, और यहाँ पे हमने लिख देना है जैसे कि कॉन्टेक्ट में, तो 03444939300309013493 6। ठीक है, नंबर्स हमने डिटेल्स इसमें डाल दी और ब्लॉक को इसके अंदर ही एडजस्ट कर लेना है। फिर थोड़ा सा सेलेक्ट करके फॉन्ट साइज़ को इम्प्रूव करके देखते हैं, तो इम्प्रूव करने में कंट्रोल ए दबाते हैं, लाइन स्पेस को 1 पे सेट करते हैं, लेकिन कॉन्टेक्ट वाली इन्फॉर्मेशन फिर भी अगले इस पे जा रही है। तो अगर 27 पे इसको रख के देखते हैं या फॉन्ट को थोड़ा चेंज करके देखते हैं, अक्सर इसके अंदर जो फॉन्ट अच्छा लगेगा वो हमारा ये भी सही नहीं लग रहा, ये तो बहुत बारीक है, मोटा फॉन्ट ही अच्छा लगता है, यही वाला यूज़ करें या फिर कोई एरियल ब्लैक या कोई इस तरह का फॉन्ट, ये तो बहुत टेढ़े मेढ़े से फॉन्ट है। तो यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं ये वाला फॉन्ट यूज़ कर लेते हैं और फिर थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ बढ़ा के इसको यहाँ पर रख देते हैं, एक डिलीट दबा के कॉन्टेक्ट ऊपर ले लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा नंबर फिगर आउट अलग अलग हो रहे हैं, तो थोड़ा सा फॉन्ट छोटा करते हैं, 34 करते हैं, 32 30, ओके इसी पे सेट करते हैं, इस नंबर को एंटर करके नीचे ले लेते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आ जाएगा और फिर उसके बाद हमने इसको सेलेक्ट करके सेंटर कर देना है, तो ये इस तरह से हमारे नंबर शो हो जाएंगे। सेलेक्ट करके अब इसमें कलर स्कीम में जैसे इसने ब्लैक के ऊपर वाइट का शेड यूज़ किया, तो आप यहाँ पे जाके इसको ब्लैक दे दें कलर को और इसकी आउटलाइन को यहाँ से थोड़ा सा वाइट कलर दे, थोड़ा सा इसको यहाँ से थोड़ा थिक कर दें, तो ये इस तरह से आएगा। और शेड तो हमने बैकग्राउंड पे इसके दिया हुई है, तो ये इस तरीके से हमें यहाँ पे दिखाई देने लग जाएगा। तो इस तरह आपने ये पूरा का पूरा बना लेना है। अब रह गया फाइनल फ़ोटो वाला टच, तो इसके अंदर एक शेप बनाना है आपने इस तरह का, कोई भी जो शेप बनाएंगे यहाँ पर उसमें कोई फ़ोटो लगाना है, तो फ़ोटो के ऊपर लगाने के लिए आपने यहाँ क्लिक करना है, क्लिक करके शेप फिल में जाना है, यहाँ से क्लिक करना है पिक्चर के ऊपर, और जैसे ही पिक्चर वाला ऑप्शन खुलेगा तो यहाँ पर हमने ब्राउज़ कर लेना है, और ब्राउज़ करके कोई भी स्टूडेंट से रिलेटेड कोई फ़ोटो हो वो आपने इजीली इसके अंदर ऐड कर देना है। तो मैंने यहाँ डॉक्यूमेंट्स में गया, लेटेस्ट में गया, तो यहाँ पर मेरे पास कुछ फ़ोटोज़ होंगे जो मैं इसके अंदर लगाना चाह रहा हूँ, तो स्टूडेंट टच के हवाले से कोई फ़ोटो मेरे पास कोई ऐसा जिस पर कुछ काम वाम कर रहे हूँ, जैसे ये वाला फ़ोटो सही है, इस पर क्लिक करके अप्लाई कर दिया। अब उसके बाद जब ये फ़ोटो इसमें आ जाएगा तो इसकी शेप फॉर्मेट में जाके यहाँ से आउटलाइन को नो आउटलाइन कर देना है, और इसके जो सॉफ्ट एजेस हैं इनको थोड़ा यहाँ से हल्का सा सॉफ्ट कर देना है ताकि ये इस तरह से नज़र आए। और फ़ोटो पे राइट क्योंकि शेप है, इसको सेंड टू बैक कर देना है, सॉरी सेंड टू बैक ज़्यादा नहीं करना, उस पर एक मसला है। चलो पहले करो, उसको सेंड टू बैक करो और फिर ये वाइट वाले शेप पे क्लिक करके सेंड टू बैक कर दो, तो
तो वो पिक्चर आगे आ जाएगी, टेक्स्ट के पीछे रहेगी। फिर थोड़ा सा इसको यहाँ से क्लिक करके ऐसे बड़ा कर देना है ताकि पिक्चर के पीछे टेक्स्ट एक पिक्चर से आगे आए और ये इस पर इस तरह से दिखाई दे। तो ये देखें, इस तरह से आप अपना अच्छा सा पोस्टर पोस्ट या इस पर परफेक्ट। भाई मैंने इसको सेंड टू बैक किया था, ये सबसे पीछे चला गया था। फिर मैंने शेप को सेंड टू बैक किया तो वो और सबसे पीछे चला गया, तो ये आगे आ गया। मैंने इसको पहले सेंड टू बैक किया, ये इसके पीछे चला गया। जब इसको सेंड टू बैक किया तो ये इसके पीछे चला गया। इस तरीके से इसका मामला हो गया और ये आपका यहाँ पर इस तरीके से क्रिएट हो गया। ठीक है।